गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम नंबर 5। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ लेमन, कंपोज्ड बाय द ब्रिटिश फीचर पोएट टी वी सेले। ठीक, देखिए पोएम नंबर 5। जो पोएट है हमारे टी वी सेले, ये नेचर पोएट है और ये बहुत दुखी हैं। ये सोच रहे हैं कि जो बिल्कुल कगार पे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी युवावस्था के जो दिन थे, जो हमने इतने स्ट्रगल करते हुए गुजारे हैं और बहुत इंजॉय किया है, वो मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं। कहते शायद मुझे फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो ये जो पोएट हैं, ये अपने उसी दुख में एक्सप्रेशन, उन्होंने अपने दुख का एक्सप्रेशन दिया है इसमें, अपने दुख को व्यक्त किया है कि पुराना वाला समय, युवावस्था वाला समय मुझे फिर पुनः कभी वो प्राप्त हो पाएगा या नहीं। तो अपने पुराने समय को देखकर ये बहुत अधिक दुखी है। पोएट पी वी सेले, पोएट पी वी सेले वॉज डीप डिस्ट्रेस अबाउट देयर लाइफ। ही सेज दैट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, द यूथ ऑफ हिज लाइफ विल रिटर्न अगेन आर नॉट। सो ही वेरी सैड टू थिंक द स्ट्रगल्स एंड मिसीज ऑफ द यंग लाइफ। चलिए आइए देखिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, क्या कहते हैं? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये संसार, ये जीवन और ये समय सब उनके लाइफ में ही है। संसार में भी व्यक्ति एक बार जन्म लेता है, उसी जीवन पूरा जीता है, लाइफ भी उसको वही पूरी एक मिलती है और वही के वो समय को देखता है। ओ वर्ल्ड, हे संसार, हे लाइफ, हे जीवन और हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई प्लान, जिसके अंतिम स्टेप पर, अंतिम सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ। लाइफ की तुलना एक सीढ़ी से की गई है, सीढ़ीज की तुलना, मतलब लाइफ की तुलना एक सीढ़ी से की गई है, जिसके सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ये खड़े हुए हैं। तुलना की गई है, खड़े नहीं हुए, तो उसकी तुलना इससे की गई है। पोएट कंपेयर्स हिज लाइफ विद द लैडर एज ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ द लैडर। सो ही इज स्टैंड ऑन द लार्ज स्टेप ऑफ हिज लाइफ, ही इज अबाउट टू डाई। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेप पे रहे हैं कि लास्ट स्टेप पे खड़े हुए हैं, यानी लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ है। आई क्लाइम, जिस पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, किस पर चढ़ा हुआ हूँ, उसी लैडर पर, उसी सीढ़ी पर। ट्रेम्बलिंग, आज मैं कांप रहा हूँ, एट दैट, जिस पर, वेयर आई हैव स्टूड बिफोर, जिस पर मैं पहले खड़ा होता था। समझ आ रही बात है? उसी सीढ़ी पर जिस पर मैं पहले खड़ा होता था, पहले मैं कभी नहीं कांपता था, लेकिन आज उसी सीढ़ी के लास्ट स्टेप पे मैं खड़ा हूँ और आज कांप रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड एट द टाइम एंड हिज लाइफ इज अबाउट टू ओवर, इसलिए आज वो कह रहे हैं, कांप रहे हैं। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर लाइफ, योर प्राइम, कहते हैं ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, द हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ, यानी युवावस्था से लिया गया है। कहते हैं कि कब लौटेगा मेरी युवावस्था का जो आनंद है, वो मेरे पास अब कब लौटेगा? ओ नो मोर, नहीं नहीं लौटेगा, ओ नेवर मोर, अब वो कभी नहीं लौटेगा। यानी वो अपने उस युवावस्था के दिनों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वो युवावस्था का समय वापस फिर लौटेगा? नहीं लौटेगा, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सो पोएट इज वेरी डिस्ट्रेस अबाउट थिंकिंग द यंग एज ऑफ हिज लाइफ, या यंग टाइम ऑफ हिज लाइफ, अपनी युवावस्था के समय को सोचकर वो बहुत ही दुखी है। हाँ, व्हाट यू वांट टू से? When will return, कब लौटेगा? The glory of your prime का सेंस आपका युवावस्था से होता है। शायद आप लोगों ने काइट मेकर में पढ़ा होगा, प्राइम ऑफ हिज लाइफ है ना, अपनी युवावस्था में। ये आपका एक इडियम भी है, प्राइम ऑफ योर लाइफ, ये इडियम है प्राइम ऑफ योर लाइफ। तो ग्लोरी माने वैभव, सांसौकत, ऑफ योर प्राइम माने अब उनकी युवावस्था का वैभव, गौरव, सांसौकत, प्रसन्नता कब लौटेगी? तब वो कहते कभी नहीं लौटेगी। बुढ़ापे के बाद वापसी में भी यूथ नहीं आता। और वो क्यों कह रहे पहले हम इतने स्ट्रांग थे कि उसी सीढ़ी पर खड़े होते थे तो कभी कांपते नहीं थे, क्योंकि आगे का भय नहीं होता था। आज हम उसी सीढ़ी पर खड़े हुए लेकिन हम कांप रहे हैं। समझ आगे देखिए। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मैं रात दिन, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, रात दिन कहते हैं मेरे पास बस यही मैं सोचता रहता हूँ, ए जॉय हैज टेकन, कहते हैं
आउट ऑफ डे एंड नाइट, मैं रात दिन यही सोचता रहता हूँ। इस जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कि मेरा जितना आनंद था सब फ्लाइट हो गया है, सब उड़ गया है। यानी देयर इज नो जॉय इन अवर लाइफ, कि अब मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया, केवल अब रह गया है तो क्या, केवल निराशा रह गई है, निराशा रह गई है। कहते फ्रेश स्प्रिंग, तरोताजी, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, एंड समर गर्मी, एंड विंटर और जाड़े। ये होयर माने, वैसे तो होयर माने होता है आपका दहाड़ना, मतलब दहाड़ने का सेंस इससे नहीं है जो तेज आवाज के साथ कम होती वो होयर होती है, लेकिन यहाँ पर आपका जाड़े के पाले, पाला नहीं होता है फ्रॉस्ट वगैरह ये सब। हाँ, कहते कितनी तरोताजी बसंत ऋतु निकल चुकी है, कितनी गर्मी निकल चुकी है, और कितनी जाड़े का पाला मैं गुजार चुका हूँ, मतलब कितने साल वो जी चुके हैं, कहने का सेंस ये। मूव माई फ्रेंट हार्ट विद ग्रीप, लेकिन मेरा हृदय जो है अब वो किसकी ओर, लेकिन मेरा हृदय जो है अब वो दुख से ही भरा हुआ है। इतने निकालने के बाद मैं कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन अब मेरा हृदय जो है वो दुख से भर गया है। बट विद डिलाइट, लेकिन अब मुझे वो प्रसन्नता पुनः फिर प्राप्त नहीं होगी। कहते नो मोर नो नेवर, नहीं मुझे वो फिर कभी प्राप्त नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया, पोएट इज वेरी सैड या पोएट इज इन डीप डिस्ट्रेस टू थिंकिंग अबाउट हर यूथ, हर प्राइम ऑफ हिज टाइम। पोएट सेज दैट नाउ ही इज वेरी ओल्ड, सो ही थिंक कि सो ही थिंकिंग अबाउट हर यूथ टाइम एंड द मिजरीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ हिज टाइम। ही वॉज वेरी सैड टू थिंकिंग अबाउट इट। ही सेज दैट ही विल अगेन find his youth or not, but he believed that he will never find again. But he believed that he will never find again his prime of his life. ठीक, आगे देखिए। Over poet, आपको पता है, आपको सभी की तरह की सीख मिल गई आपको, ठीक है। Poet says that over hey life and o time. Poet says that in this stanza poet compares the life with the ladder. आपको इसमें लेटर शो नहीं करी गई, लेकिन लास्ट इसके बताया गया है, इसलिए इसकी लेटर से तुलना की गई। पोएट कंपेयर्स द लाइफ विद द लेडर। पोएट सेज दैट ही इज स्टैंडिंग इन द लास्ट स्टेप ऑफ द लेडर, यानी पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। पोएट इज वेरी ओल्ड, इट इज द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। ही सेज दैट बिफोर व्हेन ही वाज इन यंग एज he never stumbled, never subdued with the danger when he is standing on the stairs. He will never subdued, kabhi nahi kaapta tha. But now, when he is in old age, he is shivering, he is trembling, he is shuddering to think about his young time. Pehle yuvavastha mein jab wo khada hota tha, to kabhi kaapta nahi tha. But now, when he is too old, he is trembling, he is shuddering. Kabhi suna shuddering? S-H-U-D-D or shudder maane kaapna. He is shuddering on the last ladder, कह लीजिए last step of the ladder, because he is very old. So he says that it is the last step of his life, it is the last time of his life. He says that यहाँ तक हो गया trembling at that where he had stood before, जिस पर पहले खड़ा होता था, when he was young, he stand, he never trembled. कहता है, then he says that when will return the glory of his prime time. He says that when will return the happiness of his life, the delightness of his lifetime, when it will return. He believes, he was hopeless that it will never return. He is hopeless, he is disappointed, he thinks that it will never return. No, it will never return. Poet says that out of the day and night. In the second stanza, poet says that day and night, he always thinking, all the time poet thinks that day and night, that the joy has taken flight. Yani there is no joy in his life. Now, there is no joy in his life because he is about to go to death. So, there is no happiness, no joy in his life. He remembers the lifetime of his young age, the miseries and difficulties of his time. He says that many spring he had passed, many spring season, many summer season and many winter season he had passed in his life. उसने अपने जीवन में बहुत सारे summer season गुजारे हैं, spring season गुजारे हैं and winter गुजारी है. But he says that he was never hopeless in his life.